परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आके बैठ गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। सचिन पायलट जालौर नहीं आया तो क्या उसकी वजह हो सकती है वैभव गहलोत के हार? मैंने कहा ना, जो जहां नहीं जीते हैं वहां अगली बार मेहनत कर और जीतेंगे, और जहां जैसे आपने इस लोकसभा क्षेत्र की बात करी है, यहां पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं। मेहनत करेंगे मारवाड़ों में, हमने सबने मेहनत करी और किसी एक व्यक्ति के मेहनत से कोई परिणाम नहीं आते हैं, पूरी टीम पूरा संगठन लगता है तभी कोई परिणाम आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन शेखावटी है, हनुमानगढ़, गंगानगर है, ईस्टर्न राजस्थान है, आप उनको बेहतर परिणाम मिले, लेकिन बाकी सीटों के अंदर भी जो पहले परिणाम थे 3 लाख 4 लाख 5 लाख का जो अंतर था वो बहुत सीमित हो गया है। तो जनता ने कांग्रेस को पूरे राज्य में वोट डाला, ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर आप इस लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिलिंदी सरकार होगी। पहली बार जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आके अटक गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम का, 7 चरण का चुनाव, 2 महीने का पूरा प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो, हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया और हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। और राजस्थान के, जैसा आपने कहा, 11 जगह हमने भाजपा को हराया है। हमने, हमारे सहयोगी दलों ने मिलकर 11 जगह, उस जगह जहां पर 4 महीने पहले भाजपा की सरकार बनी थी, तो डबल इंजन फेल हुआ जयपुर में, डबल इंजन फेल हुआ लखनऊ में, डबल इंजन फेल हुआ हरियाणा के अंदर, और हर जगह कांग्रेस और साथियों को, हम लोगों को जनता ने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सही मुद्दों की बात की। अब भाजपा बात करती थी मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र की और हिंदू मुसलमान की, हम बात करते थे MSP पे कानून बनाने की, रोजगार की, निवेश की, महंगाई की, बेरोजगारी की, जनता ने हमारी बातों को स्वीकार किया और राजस्थान के अंदर जो परिणाम आए हैं वो पहले से बहुत बेहतर है और मुझे लगता है संतोषजनक भी काफ़ी हद तक। हम उम्मीद करते थे कि हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन हमारे उम्मीदवारों का चयन, हमारा चुनाव, हमारा कैंपेन और नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता, इस पूरे राजस्थान के चुनाव का जो श्रेय अगर जाता है किसी को तो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जो भीषण गर्मी में बूथों में डटे रहे, प्रलोभन दबाव हर तरह का प्रतिशोध की भावना से सरकार प्रशासन ने काम किया, उसके बावजूद हमको जिताकर भेजा, हमारे सारे उम्मीदवार जीत कर आए हैं, वो सब सदन में बैठकर राजस्थान के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट जालौर नहीं आए तो क्या उसकी वजह हो सकती है वैभव गहलोत के हार? मैंने कहा ना, जो जहां नहीं जीते हैं वहां अगली बार मेहनत कर और जीतेंगे, और जहां जैसे आपने इस लोकसभा क्षेत्र की बात करी है, यहां पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप मेहनत करेंगे तो जहां इस बार नहीं जीत पाए हैं अगली बार वहां भी जीतेंगे। कल आपने कहा था कि उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो मैंने कहा कि हम सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, हार जीत राजनीति का एक उतार चढ़ाव है, लेकिन ये बात आप मानेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता और जो जनता के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया, 5 महीने के बाद जो उलटफेर जो हुआ है, ये संभव नहीं था अगर सब नेता मिलकर काम नहीं करते, और इसका श्रेय मैं तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। पूर्व राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, मारवाड़ और मेवाड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर दिखाई दे, ऐसे में अब क्या सचिन पायलट ज्यादा मेहनत करेंगे मारवाड़ों में? हमने सबने मेहनत करी है और किसी एक व्यक्ति के मेहनत से कोई परिणाम नहीं आते हैं, पूरी टीम पूरा संगठन लगता है तभी कोई परिणाम आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन शेखावटी है, हनुमानगढ़, गंगानगर है, ईस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर उनको बेहतर परिणाम मिले, लेकिन बाकी सीटों के अंदर भी जो पहले परिणाम थे 3 लाख 4 लाख 5 लाख का जो अंतर था वो बहुत सीमित हो गया है। तो जनता ने कांग्रेस को पूरे राज्य में वोट डाला, ऐसा नहीं है। भजनला सरकार आम लोगों में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि सचिन पायलट ने पूर्व राजस्थान में बहुत भयंकर मेहनत करी, उसकी वजह से सीटें आई, ऐसे में अब सचिन पायलट का कांग्रेस में बहुत बड़ा कद बढ़ गया है। हम सब लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, जिसकी जहाँ जरूरत होती है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे जहाँ काम करने को दिया, हरीश जी को पंजाब में काम करने को दिया, वहाँ हम 7 सीट जीत कर आए हैं। वहाँ पे आप विरोधी साथी क्या क्या बोलते थे, लेकिन वहाँ पर भी हम 7 सीट जीते हैं और हरियाणा में 5 सीट जीते हैं, राजस्थान में हम 8 जमा 3 11 जीते हैं। तो जिस व्यक्ति की संगठन में जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते हैं, और मुझे जहाँ जहाँ उम्मीदवारों ने बुलाया,
जिस उम्मीदवार ने बुलाया, जिस प्रदेश में बुलाया, पार्टी ने जहां मुझे भेजा वहां जाके हमने काम किया। भविष्य में पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हमने बनाएंगे। सर, वजनदार सरकार कहती है कि गहलोत सरकार के दौरान जो भर्तियां हुई थी वो रद्द की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। अब इस सरकार को मुझे लगता है पहला काम क्या करना चाहिए, पहला आत्मचिंतन कि ये करारा झटका जनता ने लोकसभा चुनाव में क्यों दिया। दूसरा, भीषण गर्मी में बिजली कटौती हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, आचार संहिता का बहाना लेकर आप कब तक छुपेंगे। प्रशासन को, अमली जामे को आपको कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए थी, सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए थी, और जिन वादों को करके आप सरकार बनाई है आपने, पहले उनको पूरा करिएगा। यह मैं समझता हूं सरकार को करना। आपने पेपर लीक के मुद्दा आपकी सरकार के समय खूब उठाया, ये सरकार उस पर काम कर रही है, आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? कोई भी सरकार हो, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई पार्टी सरकार कोई हो, ये मुद्दा पक्ष पक्ष का नहीं है। कोई भी सरकार काम करे लेकिन प्रतिशोध की भावना से ना करे, तह तक जाए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब जो नीट की परीक्षा में घपला हुआ है उसकी भी कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है। करोड़ों लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपना पेट काट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर एग्जाम दिलाते हैं नीट का। अब 720 के 60-65 लोगों को फुल नंबर आ रहे हैं, आंकड़ों में कंसेंट मार्किंग दी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। लोगों का विश्वास अगर टूट गया, सिस्टम से टूट जाएगा नौजवानों का, तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं हमेशा नौजवानों के हितों की रक्षा करता हूं, हम सब साथ ही मिलकर उनके भविष्य की रक्षा करें।